लेकिन याद रखना कि तेज बॉलिंग के लिए ये जो अगला हाथ है ना, ये उतना ही जरूरी है जितना हमारा पिछला हाथ है। इसको पूरा पीछे लेके जाओ और फिर जब इसको मारते हो ना, उससे गेंद तेज निकलती है। तुम्हारा भी होती है स्प्रिंट जो आपकी होती है ना, जब आप मार करते हैं उसके बाद सिर्फ स्प्रिंट होती है तुम्हें मोमेंटम देने के लिए। समझ गया? सुनो जरा मेरी बात, सुनो, स्प्रिंट मोमेंटम देने के लिए होती है। वो तू स्क्रीन से भागने से तुम्हारी एनर्जी आधी जाया हो जाती है, तो जब तुम सिर्फ वो जो जब अपना मार्क हिट करते हो उधर से लेके विकेट तक, सिर्फ स्प्रिंट होती है आपको मोमेंटम देने की। समझे? और बॉलिंग में दो चीजें, एक आपका जो सर है, कौन सा बॉलर तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा बिल्कुल ठीक है सर, इसे तुम्हारी बॉलिंग आ गया। जो सर है ना, वो सारा वक्त देख रहा हो विकेट को सर इधर, और ये याद रखना कि ये बाजू है पीछे, और फिर ये आखिर में जो पेस आती है वो मारने से आती है। समझ गया ना?